हेलो एवरीवन तो स्वागत है आप सभी का एक और बार मेरे साथ मेरा नाम है तान्या, जैसे कि अब तक तो चलो आगे बढ़ते हैं सो so, यार ये जो चैप्टर है ना द लास्ट लीफ ये हमें ना हमारी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज सिखा के जाता है और वो मैसेज क्या है चैप्टर के अंदर क्या है कैसे हमारे तक वो मैसेज पहुँच रहा है ये सारी तमाम चीजें हम लोग चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ऑल राइट चलो और यार मैं देखती हूँ मतलब कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे तो काफी ज़्यादा सेटिस्फाइड uh, होते हैं लेक्चर से कुछ बच्चे होते हैं पता नहीं अपने में ही रहे थे तो यार ठीक है थोड़ा आई नो यू गाई लव अस बट थोड़ा प्यार दिखा, दिखा दिया करो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो ओके चलो सो so, बढ़ते हैं आगे तो यार ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और दो दोस्तों के बारे में है एंड right. तो पहली बात तो ऐसे दोस्त मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है लाइफ में अगर तुम्हें सच्चे दोस्त मिल गए तो ओहो बटोर के रखना वैसे होते नहीं है बट हां कुछ कुछ होते हैं तो उन्हें रख लिया करो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यार जिंदगी में ना ये चीज आप लोग देखोगे कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकलिटी से आपको समझ में आएगी ठीक है कि ऐसा रियलिटी में होता है कैसा होता है अभी अपन देखेंगे सो शुरू करें हमारे चैप्टर को ंग आर्टिस्ट शेयर फ्लैट ऑल राइट तो भाई ये दो नाम है किसके दो दोस्तों के दोनों ही पेंटर्स है आर्टिस्ट है और ये एक ही फ्लैट में रहते हैं ठीक है छोटा सा फ्लैट है जिसमें ये लोग रहते हैं द फ्लैट वॉज ऑन दर्ड स्टोरे ऑफ एन ओल्ड हाउस तो एक पुराना सा घर है थर्ड स्टोरी यानी तीसरे मंजिल पे थर्ड फ्लोर पे एक छोटा सा फ्लैट है जिसमें ये दो दोस्त रहते हैं स्यू एंड जॉन्सी जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर नवंबर में क्या होता है जो जॉन्सी होती है वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है उसे निमोनिया हो जाता है ठीक है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है शी हैड निमोनिया शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो वॉट इज द मीनिंग ऑफ गेजिंग To constantly look at something. ठीक है एक ही चीज को देखते रहना जैसे ये मान लीजिए ये ये है, है है, है ठीक ठीक तो ये बाहर ही देखती रहती है. कॉन्स्टेंटली ठीक है? ठीक है? एक ही चीज को स्टेयर करती रहती है ठीक तो अपने बेड पे पड़ी रहती है बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है और विंडो के बाहर घूरती रहती है किसी चीज को देखती रहती है

कि ये बात सच है कि वो जो डॉक्टर है वो कब आता था वो रोज आता था ठीक है तो डॉक्टर रोज आता था पर जॉनसी की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं था उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं था आगे क्या हुआ वन डे द डॉक्टर टूक एंड आस्क अब भाई सू को असाइड लेके जाता है यानी कि साइड में लेकर जाता है डॉक्टर और उससे क्या पूछता है पूछता है इज एनीथिंग वरिंग जॉनसी कि यार कोई ऐसी बात है जो जॉन्सी को तंग कर रही है जो जॉन्सी को यू नो कॉन्स्टेंटली परेशान कर रही है बॉदर कर रही है क्या कोई ऐसी चीज है नो रिप्लाई सी अब सी यू क्या रिप्लाई करती है नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है बट वाई डू यू आस्क आप क्यों पूछ रहे हैं द डॉक्टर सेट जॉन सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल ठीक है तो यहाँ पे हमारा डॉक्टर क्या बोल रहा है यहाँ पे हमारा डॉक्टर बोल रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जॉनसी है ना उसने ना अपना एक माइंडसेट बना लिया ठीक है उसने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि अब मैं ठीक नहीं होंगी ऐसे हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होता है जैसे मैं आपको ये लेक्चर शुरू करने से पहले बता रही थी कि रियल लाइफ में भी आप इसे रिलेट कर पाओगे कि जो भी एक पेशेंट होता है एक मरीज होता है अगर तो वो अपने दिमाग में ये बात बिठा ले कि यार मैं अब ठीक नहीं हो सकता तो उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता समझ रहे हो इस बात को वैसे ही सिमिलरली सेम तरीके से यहां पर जो जॉनसी का डॉक्टर है वो सीयू को बोल रहा है कि भाई क्या कोई बात है जो इसे परेशान कर रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है मैं इतनी दवाइयां दे रहा हूँ उसका कोई असर नहीं हो रहा और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो ऐसी चीज है जो इसको रोक रही है ठीक होने से ऑल राइट मेड अपर माइंड क्या होता है बिल्कुल ठान लेना निश्चय कर लेना इफ शी टू लिव विल नॉट हेल्प हर कि अगर वो खुद से ही जीना नहीं चाहती अगर उसमें खुद से ही चाह नहीं है जीने की तो कोई भी दुनिया की दवाई कोई भी दुनिया का डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर सकता Clear? कि अगर उसके मन में खुद से वो इच्छा नहीं है वो खुद से ठीक नहीं होना चाहती तो मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकता Sorted. आगे देखते हैं सी यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट ऑलराइड जस्ट अ सेकेंड जी टेक एन इंटरेस्ट इन दिंग्स अराउंडी सी एक बहुत ही सच्ची दोस्त थी ठीक है यहाँ पर ये जो फ्रेंड है सी जो आ, बिल्कुल ख्याल रख रही है जॉनसी का शी वॉज अ वेरी 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 गुड फ्रेंड ठीक और वो क्या बोल रही है बोला जा रहा है कि उसने अपने साइड से पूरी कोशिश करी क्या कि वो जॉनसी की मदद कर पाए एक कोशिश कर पाए ताकि जॉनसी इंटरेस्ट ले पाए जो उसके आसपास चीजें हैं उसमें उट क्लाउड्स एंड फैशन तरह तरीके की बातें करके देखा कि क्या पता है कपड़ों की बात करू क्या फैशन रिलेटेड बात करू को थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा है इसमें थोड़ा सा बात करेंगे बट जॉन्सी डिड नॉट रेस्पोंड और जॉन्सी ने आगे से कोई उत्तर नहीं दिया बिल्कुल भी रेस्पोंड नहीं किया जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड अब जॉन्सी क्या करती है अभी भी अपने बेड पर ही पड़ी हुई है सीयू की लाखों कोशिशों के बाद कि थोड़ा सा उसे इंटरेस्ट आए थोड़ा सा वो हमसे बातचीत करे थोड़ा सा उसका दिमाग किसी और जगह लगे सारी कोशिशें फेल हो जाती है और ये अभी भी अपने बेड पे ही है ठीक है सीयू ब्रॉट हर ड्रॉइंग्स बोर्ड इन टू जॉन्सी रूम अब वो क्या करती है दोनों यंग आर्टिस्ट है मैंने आप लोगों को बताया था तो ड्रॉइंग बोर्ड उठाकर ले आती है कहां पर जॉनसी के कमरे में एंड स्टार्टेड पेंटिंग और क्या करने लग जाती है पेंट करने शुरू हो जाती है to take jonsi's mind off her illness she whistled while working ठीक है टेक जॉनसीज माइंड ऑफ का क्या मतलब है कि उसका ध्यान उसकी बीमारी से उसकी इलनेस से हटाने के लिए वो क्या करती है विसिल करने लगती है वाइल्ड शी वर्क्स बेटा समझ में आ रहा है ना हाँ एक बार कमेंट सेक्शन में सारे लोग बता दोगे कि हां यस मैम समझ में आ रहा है दिमाग में जा रहा है कोई डाउट नहीं है साथ ही साथ जस्ट पढ़ ले को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ओके चलो सडनली सी यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग ठीक है अब एकदम से सडनली का मतलब क्या है एकदम से सी को आवाज आती है किस चीज की आवाज कि जॉन्सी जो है ना विस्पर यानी फुसफुसाना ठीक है कुछ बहुत ही धीरे आवाज में इन अ लो लो वॉइस अपन बोल सकते हैं लो वॉइस में बहुत ही धीरे से आवाज में कुछ तो है जो बोल रही है बड़बड़ा रही है शी क्विकली रश्ड टू द बेड वो जल्दी से जाती है उसके बेड की तरफ एंड हर्ड जॉनसी काउंटिंग बैकवर्ड्स क्या सुनती है कि जो जॉनसी है ना वो उल्टी गिनती गा रही है ठीक है ना बैकवर्ड्स यानी पीछे से नीचे मतलब पीछे से मान लो अगर मैं 20 से उल्टी गिनती गाऊं तो 20, 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे ठीक है She was looking out of the window and was saying, वह बाहर की तरफ देख रही थी कौन जॉन सी विंडो से बाहर देखते हुए बोल रही है 12 यहाँ इसकी गिनती 12 से शुरू हो रही है 12 आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर बाद शी विस्पर्ड फिर से धीरे से बोलती है 11 फिर बोलती है टेन देन नाइन एट सेवन ऐसे करके उल्टी गिनती गा रही है सी यू एंशियसली लुक आउट ऑफ द विंडो बहुत ही ज्यादा बेचैन होकर बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वो बाहर की तरफ देखती है कि क्या चीज है जो ये देखकर उल्टी गिनती गा रही है ठीक है She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. Now, what is the meaning of ivy creeper? ठीक है सो so, इस तरीके की लीव्स होती है आईवी एंड क्रीपर इज बेसिकली आपने इस तरीके के देखे होंगे जो ग्राउंड से लग के आ, पौधे उगते हैं जैसे मनी प्लांट होता है ना वो सपोर्ट लेके उगता है किसी चीज का वैसे ही आ, आपने देखा होगा वॉल्स के सहारे घरों की जो दीवारें होती हैं तो ग्राउंड से लगेंगे और बिल्कुल दीवारों के सहारे उगेंगे उन्हें बोलते हैं क्रीपर तो ठीक है तो बिल्कुल उसकी जो विंडो थी खिड़की थी उसके अपोजिट एक वॉल थी एक दीवार थी उस पर ये क्रीपर था उसके सहारे वो क्रीपर जो पौधा था वो था और उसको वो घूर के ये काउंटिंग गा रही थी इन द स्ट्रांग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स स्लीव्स अब बाहर बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी ठीक है बाहर क्या हो रहा है बाहर बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं बेटा तो वहां पर इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जब भी बहुत तूफान होता है या जब भी बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होता है जितने भी पेड़ होते हैं उनकी जो पतिया होती है वो गिरने लगती है कि नहीं गिरने लगती है बताइए ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ना कि वो सारी पतियां उनकी गिरने लगती हैं ठीक तो वैसे ही सिमिलरली उसी तरीके से क्या होता है उसी तरीके से यहां पर Uh, जो क्रीपर होता है उसकी भी पतिया एक एक करके गिर रही होती है जिसको वो काउंट कर रही होती है कि अब गिरी ट्वेल्व अब गिरी इलेवन अब गिरी दस बचे अब गिरी नौ ऐसे करके क्लियर? करकेट इज इट उसकी जो फ्रेंड है ठीक है वो उससे पूछती है जॉनसी से कि क्या हो गया मतलब वट इज इट एक्चुअल में तुम कर क्या रही हो सिक्स जो पेड़ है ठीक है अब जो बड़ा हो गया इतना ज्यादा वो पौधा अब उसकी जो पतियां वो और जल्दी 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 नीचे की तरफ गिर रही है थ्री डेज अगो देअमोस्ट हंड्रेड लीव तीन दिन पहले इस पर थी तो सोच रहे हो कि तीन दिन पहले से वो काउंट कर रही है कि थ्री डेज अगो तीन दिन पहले क्या था कि सौ पतिया थी और अब केवल पांच बची हैं फाइव लेफ्ट नाउ। इट इज़ ऑटम ऑटम यू। ठीक है बोलती यार चल रहा है पतियां तो गिरेंगी लीव्स विल फॉल जाहिर सी बात है व्हेन द लास्ट लीव फॉल आई विल डाय से यानी कि बिल्कुल उसने अपना भैया डिसीजन सुना दिया कि सुनो मेरी बात जब ये आखिरी लीव गिर जाएगी ना तब मैं मर जाऊंगी यानी कि वो इतनी ज्यादा थी कि यार ये जब आखरी लीव गिर जाएगी तब मैं मर जाऊंगी इसके आगे कुछ है ही नहीं आई द लास्ट थ्री डेज बोलती है ये चीज ना मुझे पिछले तीन दिनों से पता है कि जैसे ही इसकी लास्ट लीव गिरेगी आई विल डाई आई नॉट ओह

मैं चाहती हूँ कि जो इसकी लास्ट लीफ है ना वो गिर जाए ठीक है, वो गिर जाए गेट स्टार्क शाम से पहले जब सूरज ढले उससे पहले ही मैं चाहती हूं ये लास्ट लीफ गिर जाए देन आई विल स्लीप फॉर एवर तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी यानी कि आई विल डाई इन पीस सो so, समझ में आया आप लोगों को कि क्या बोल रही है यहाँ पर यानि कि उसने अपनी एक ऑलरेडी सोच बना ली है अपना एक विचार उसने अपने दिमाग में डेवलप कर लिया है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग भी आज की डेट में कर लेते हैं है ना अगर आप हम में से किसी ने भी अपने दिमाग में सोच लिया है कि हम लोग बेटर नहीं हो सकते या फिर यू you नो know, हम जितनी भी दवाइयाँ खा लें जो भी कर लें कुछ भी नहीं होने वाला है तो फिर कुछ भी नहीं होगा तो वैसे ही एक धारणा इसने मन में बना ली है कि जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा ना मैं भी मर जाऊंगी मैं जीना ही नहीं चाहती मुझे मरना है आगे ऑन जॉन बेड किस जर एन सेट अब भाई उसकी सच्ची दोस्त है जेनुनली फिकर है अच्छा दोस्तों का क्या होता है हेलो हाँ भाई कैसा है अच्छा बुखार हो गया चल ठीक है ख्याल रख भाई इतना ही होता है ना कुछ ज्यादा चलो कुछ मैं ये नहीं बोल रही सारे दोस्त ठीक है मैं ये नहीं बोल रही सारे दोस्त मैं नॉर्मली एक एक आइडिया बता रही हूँ ठीक है ठीके? बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं ऐसे नहीं बोल रही दोस्तों के खिलाफ नहीं हुए ठीक है एंटी फ्रेंड जोन में मत डालना मुझे एक नॉर्मल बता रही चलो ज्यादा अच्छे होंगे सेब लेकर घर आ जाएंगे ले भाई तेरा भाई सेब लाए पर थोड़ी देर बाद तुम्हें वो तुम्हारे बेड पे मिलेंगे तुम नीचे बैठे हो ठीक है यही होते हैं दोस्त पर एक जो सच्चा फ्रेंड होता है उसे जेनुअनली दुख होता है उसे जेनुअनली फर्क पड़ता है आपके होने ना होने से आपके बीमार होने से सही होने से तो वैसे ही सू बहुत ज्यादा घबरा जाती है इसकी बातें सुनकर के यार ये क्या सोच रही है उसके बेड पे बैठती है उसको किस करती है और बोलती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई तुम नहीं मरोगी आई कान ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट बोलती है कि मैं क्या कर रही हूँ बिकॉज वो पेंट कर रही है है ना तो शी नीड्स द लाइट इसलिए वो कर्टन को बंद भी नहीं कर सकती आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग बोलती है मुझे ये जो मैं पेंटिंग कर रही हूं इसको फिनिश करना है ताकि मैं थोड़े पैसे हमारे लिए ला सकू है ना एंड गेट सम मनी फॉर इट चलिए प्लीज माई डियर फ्रेंड शी बेग्ड जॉनसी अब क्या हो रहा है नाउ शी इज बेगिंग जॉन सी की प्लीज माई डियर फ्रेंड

Tired ऑफ वेटिंग यानी कि मैं इंतजार कर करके क्या हो चुकी हूं थक चुकी हूं तो यहां पर देख रहे हो कि वो तीन दिन से इंतजार कर रही है कि लास्ट लीव कब गिरेगी तभी वो अभी बोल रही है कि यार मैं थक चुकी हूँ इंतजार कर करके अब मुझसे और इंतजार नहीं होता आई गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोअर टायर्ड लीव क्या बोल रही है यार मुझे मरना ही है तो मुझे मैं चाहती हूं मैं शांति से आराम से पीसफुली मर जाऊ है ना जैसे ये लीव गिर रहे हैं मैं वैसे ही बिल्कुल आराम से मर जाऊं दिस इज व्हाट आई वांट ट्राई टू स्लीप स्लीपे क्या बोलती है कि भैया सोने की कोशिश करो आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर बोलती है मुझे किसकी पेंटिंग बनानी है ओल्ड माइनर की माइनर इज द वन हु वर्क्स इन माइन है ना खान में काम करने वाले लोग आई विल कॉल बहरमैन अब ये कौन है ये हमारा एक और कैरेक्टर है स्टोरी का अप टू बी माई मॉडल मैं मॉडल यानी कि वो एक ओल्ड माइनर बन के खड़े रहेंगे और मैं उनकी पेंटिंग करूंगी तो मेरे को जाना है जाके बहर मैन को बुलाकर लाना है इतने तुम क्या करो तुम आराम से सो जाओ चलिए सी यू सीट डाउन बहर मैन लेव ऑन द ग्राउंड फ्लोर अब ये लोग कहाँ रहते थे, थे थर्ड पे है ना थर्ड पे. बहर फ्लोर पे और बहरमैन रहता था भैया ग्राउंड फ्लोर पे ठीक तो वो नीचे जाती है रश डाउन यानी कि फटाफट से नीचे जाती है ग्राउंड फ्लोर पे बहरमैन होते हैं साठ साल के ओल्ड पेंटर तो ये भी पेंटर हैं और कितने साल के हैं साठ साल के हैं हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर मास्टरपीस क्या होता है बहुत ही हाई क्वालिटी का कोई काम तो वो चाहते थे कि भाई मैं एक मास्टरपीस तो बना के जाऊं जैसा इस दुनिया में हो ही ना कुछ ऐसा कुछ अलग करके जाऊं बट दैट हेड रिमेन आ ड्रीम पर वो क्या रह गया वो केवल एक सपना ही बन के रह गया निकाल देना तो जितनी भी उसकी चिंताएं थी जो भी वो घबराई हुई थी उसकी बातें सुनकर वो सारी उसने किसको बताई वो सारी उसने जाकर बेहरमेन को बता दी शी टोल्ड जॉनसी वॉज कन्विंस्ड दैट डाइव लास्ट लीव फिल तो अब उन्होंने बताया कि कैसे जोनसी जो थी वो कन्विंस हो चुकी थी यानी कि मान चुकी थी इस बात को कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तब मैं मर जाऊंगी मैं नहीं बचूंगी में। so बोल रही है वो? मतलब इतनी पागलो जैसी बात है वो कैसे कर सकती है कंप्लेन बोला बहुत ज्यादा तेज बुखार है she refuses to eat or drink and that worries me a lot बोल रही है रिफ्यूजस मतलब बेटा मना कर देना कि एक तो उसे इतनी तेज बुखार है दूसरा उसने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया है और इस बात से मैं और ज्यादा चिंतित हूं आई विल कम विद यू ठीक है तो बहरमैन बोलते कि मैं आता हूं तुम्हारे साथ और मैं जॉन्सी को देखता हूं क्लियर चलो दे टिपटॉड इनटू द रूम नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिपटॉड बहुत ही धीरे धीरे जाना है ना बहुत ही ऐसे अब तुम्हें तो दिखेंगे तो नहीं मेरे पैर पर ऐसे बिल्कुल ऐसे बिना आवाज किए जाना क्यों क्योंकि जॉन्सी सो रही थी तो वो आवाज से उठ ना जाएं टूगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम तो अब उसने कर्टन्स को बंद कर दिया और वो दूसरे रूम में चले गए पीप्ड आउट थ्रू द विंडो अब वो वहां से विंडो के बाहर देखने लगी देर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द्रीपर अब केवल क्या बचा था एक ही लीफ बची थी कहा पत्ता बचा था इट वॉज रेनिंगली एंड एन आईसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग क्या हो रहा था कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत तेज हवा चल रही थी

ठीक है, या तो रुको एक बारी, दैट्स गोना बी विजिबल शी आस्क्ड सी टू ड्रॉ द कर्टेन्स ठीक है अब वो बोलती है सीयू को कि यार खोलो पर्दे खोलो दोबारा सी वाज नर्वस अब वो बहुत ज्यादा नर्वस थी कि यार कहीं ये या जो लास्ट लीफ है वो गिर ना गई हो she drew back the curtains very reluctantly reluctantly क्या होता है unwillingly उसकी करने का मन तो नहीं था पर उसको करना पड़ा आगे क्या हुआ oh see you exclaimed as she looked at the vine creeper ठीक है अब जब उसने क्रीपर को देखा दोबारा तो वो बोलती है oh look there is still one leaf on the creeper वो लीफ अभी भी वहां पर थी ठीक है बोलती है कि वो लीफ अभी भी वहां पर है इट लुक्स तो में लग रही है है ना? कल इतना तूफान आया गिर जानी चाहिए थी पर ये अभी भी वहां पर है एंड इट लुक्स क्वाइट हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड विंड्स इट डिडंट फॉल कि भैया इतना तूफान आया आंधी तूफान आया तब भयंकर तूफान था तब भी ये गिरी नहीं आई हर्ड लास्ट नाइट जॉनसी जॉनसी बोलती है कि कि मैंने कल रात सुना था कितना तेज तूफान था आई थॉट मुझे लगता है है कि ये तो गिर चुकी होगी। बोलती आज तो पक्का से गिर जाएगी और आज मैं मर जाऊंगी यू सी यू एनर्जेटिकली तो अब भाई यू बहुत ही ज्यादा तेज आवाज में ठीक है बोलती है अरे नहीं मरेगी है ना लाइक दैट

जॉनसी सी वीकली एंड क्लोज तो स्वाइल करती है अपनी आंखों को बंद कर लेती है so, कि नहीं और लीफ अभी भी थी. वही थी इट सीम्ड टू बी क्लींजिंग टू द्रीपर ठीक है वहीं पर अटक रखी थी इन दाम में देर वॉजर स्ट्रॉन्बारा तेज हवा चली बट द लीव डिट फॉल पर वो पत्ती तब भी नहीं गिरी

तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं किया तुम्हारा साथ नहीं दिया आई है जिसमें कोई भी आशा नहीं बची होती विदाउट होप ठीक है कि मैं पूरे टाइम इतनी डिप्रेशन में थी इतना ज्यादा सैड साथ थी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रही थी और अभी मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा द लास्ट लीव रॉन्ग कि जो आखिरी लीफ है ना इसने मुझे दिखाया है कि मैं कितनी ज्यादा गलत थी आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई बोलती है कि मुझे इस चीज का एहसास हो गया है कि यह एक पाप है है ना इस चीज की इच्छा रखना कि आप मरना चाहते हो दैट इज अ सिन दैट इज नॉट अ टॉल गुड थिंग शी हगड जॉन सी ठीक है सी क्या करती है ओ सॉरी शी नहीं है सी है तो वो क्या करती है जाके जॉन्सी को गले लगा लेती है देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप है ना क्योंकि सूप अच्छा होता है तो उसे सूप देती है और एक शीशा देती है एक मिरर देती है जॉन्सी जॉन्सी एंड ब्राइटली तो अपने बाल बाल आराम से बनाती है और उसके बाद स्माइल करती है इन द आफ्टरनून दोपहर में द डॉक्टर के डॉक्टर फिर से आता है आफ्टर एग्जामिनिंग एग्जामिन पेशेंट तो जॉन्सी को एक बार देखता है सीयू को बोलता है जॉनसी नाउ हैज द विल टू लिव विल यानी अब उसकी इच्छा है जीने की ना पहले उसने सारे होप छोड़ दिए थे सारी आशाएं को छोड़ दिया था पर अब उसमें वो जज्बा फिर से आ गया है आई एम कॉन्फिडेंट मुझे पूरा विश्वास है शी विल रिकवर सून बहुत ही जल्द वे ठीक हो जाएगी ठीक है नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स अब मुझे नीचे जाना चाहिए एंड सी बहरमैन और उन्हें भी देखना है ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया देखो उनकी भी तबीयत खराब हो गई अब उन्हें भी क्या हो गया निमोनिया हो गया बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम बोलता है पर उनके जो जीने के चांसेस है ना वो बहुत कम है ठीक है आई एम अफ्रेड यानी कि मैं श्योर नहीं हूं कि वो जी भी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह सी यू केम एंड सैट ऑन जॉनसीज बेट सी यू आती है और कहाँ की बैठ जाती है जॉनसी के बेड पर आकर बैठ जाती है टेकिंग जॉनसिन उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग ही डाइड। तो बोलती है कि जो बहरमैन है ना जो नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे वो उनकी डेथ हो चुकी है वो मर चुके हैं कब आज ही ठीक है आज सुबह वाई बिकॉज ऑफ निमोनिया He was ill for only two days. बोलती है कि वह केवल दो दिन से बीमार थे द फर्स्ट डे द जॉनेटर जॉनेटर कौन होता है बेटा जो अक्सर बिल्डिंग की देख देख करता है ना वॉचमैन बोल सकते हो तो पहले दिन वॉचमैन ने देखा कि वो अपने बेड पे हैं। हिज क्लाउथ एंड शूज वर वेट तो उनके जो कपड़े हैं और उनके जो शूज हैं वे गीले थे एंड ही वॉज शिवरिंग शिवरिंग यानी वह कांप रहे थे

स्टिल लाइटेड लाइन नियर बेड जो अभी भी जल रही थी उनके बेड के पास देयर वर ऑल्सो ब्रशेज अब उन्हें थोड़े से ब्रशेज मिले पेंट करने वाले और ग्रीन एंड येलो पेंट्स मिले ठीक है ग्रीन पेंट और येलो पेंट्स मिले कहां पर फ्लोर पे नीचे जमीन पर सीढ़ी के पास ही जॉनसी डियर अब CEO का बोलती है कि जॉनसी लुक आउट ऑफ द विंडो एक बारी विंडो से बाहर देखो लुक एट दैट आई वी लीव एक बारी नजर इस लीफ की तरफ घुमाओ इस लीफ को एक बार देखो ठीक है ना यहाँ पे आप लोग सारे डॉट्स जोड़ो कि उसी रात वो बाहर गए जब वो ऊपर जॉन्सी के घर से आए थे उसी तूफान में वो बाहर थे वहां से आने के बाद ही उन्हें निमोनिया हुआ उससे पहले तक वो ठीक थे उनके पास एक सीढ़ी मिली ब्रशेज मिले कलर्स मिले ग्रीन और येलो कलर के और ये लीफ जो बाहर है इससे क्या कनेक्शन है Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? बोलती है क्या तुमने ये नहीं सोचा कि जब भी हवा चलती है तो ये गिरना तो दूर ये तो बिल्कुल you know wave भी नहीं करती किसी तरीके से हिलती डुलती भी नहीं है blow ही नहीं करती right कभी सोचा ऐसा क्यों है That's Behrman's masterpiece. ठीक है ना क्या बोला अब उसने उसने बोला कि ये बहर में की आर्ट है उनकी ड्राइंग है वो जो उनका सपना था ना कि मास्टर पीस ड्रॉ करना है ये वो है ही पेंटेड एट द नाइट द लास्ट लीफ फेर जब वो भाई इतना तूफान था आखिरी लीफ कैसे नहीं गिरेगी ऑब्वियसली गिरेगी तो वो बोलती है जब वो आखिरी लीफ गिर गई थी ना तब उन्होंने चढ़कर उस पर पे पेंट किया था जिसके कारण उन्हें निमोनिया हो गया और वो मर गए ताकि तुम अपना ना खो समझ में आया डॉट्स मिले एंड दिस ब्यूटिफुल शॉर्ट स्टोरी इज रिटन बाय ओ हेनरी आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं वट इजीज कैन क्योर हर द मेडिसिन तो भाई जो जॉन्सी थी क्या हुआ था उसे क्या बीमारी थी उसे कौन सी चीज ठीक कर सकती थी दवाइयां या फिर उसकी खुद की चाह जीने की तो आप बोलेंगे जॉन्सी जो एक यंग आर्टिस्ट है वह बीमार थी किससे सफर कर रही थी न्यूमोनिया से बट आगे चलकर शी सफर तो मेडिसिन का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था हर विलिंगनेस टू लिव कुट क्योर हर इन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा है ना कि मेडिसिन बचा सकती है या उसकी विलिंगनेस तो उसका जवाब है कि जो उसकी विलिंगनेस है जो उसकी इच्छा है जो उसकी चाह है वो उसको सही कर सकती है वो उसको बचा सकती है ठीक है द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज गिवेन इन योर वर्क इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सो यू गाइस कैन डू इट लेट्स कम टू डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन बहरमेन हैज अ ड्रीम इनका एक सपना था वो सपना क्या था डज इट कम ट्रू क्या वो सपना सच हुआ सो so, यार जाहिर सी बात है सपना तो सच हुआ उन्होंने वो लीव का जो मास्टरपीस बनाया था दैट वाज सुपर डुपर अमेजिंग राइट सो बहरमैन हैड अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस इन हिज लाइफ है ना क्या करना चाहते थे एक बहुत ही हाई क्वालिटी का वर्क वह पेंट करना चाहते थे कि यार कुछ तो अपने को अलग करना ही करना है ही केप्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू गिव इट अ प्रैक्टिकल शेप वो मौके का इंतजार कर रहे थे कि एक प्रैक्टिकल यू नो पूरा आइडिया उनका निखर के बाहर आ सके और हाँ ही कुड मेटीरियलाइज हिज ड्रीम वेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑफ द आई वी क्रीपर तो उनकी जो ड्रीम थी वो सच कब हुई जब उन्होंने वो लास्ट लीफ ड्रॉ कर दी थी किस पे आई वी क्रीपर की कि किसी को पता ही नहीं चला कि ये ड्रॉ की हुई लीफ है या एक्चुअल में लीफ है इतना ज्यादा खूबसूरत था वो ठीक है आजकल इंस्टा पे रील्स भी तो चल रही है अगर तुम लोगों ने देखा हो के देयर इज दिस गर्ल आई गेस आई डोंट नो आई डोंट रिमेंबर हर नेम पर देयर इज दिस गर्ल जो आपको पहले पेंटिंग दिखाती है ठीक है उसने नीचे ऐसे फ्लॉस पे रखा होता है एंड वो आपको दिखाएगी और उसके बाद एकदम से मतलब ऐसे लगेगा आपको वो चीज़ रियल एंड देन वो उसे वाइप कर देती है तो हमें लगता है एक एक लैपटॉप था और मुझे लग रहा था कि वो खोल के उसने नीचे रखा है बट उसने उस पर पानी डाल दिया बाद में पता चला कि दैट वॉज अ पेंटिंग सो ऐसे यू नो सच मास्टर पीसेस What What is Behrman's masterpiece? What makes Siu say so? So he was a मास्टर year old artist who had a dream to paint a masterpiece, राइट हमेशा बेटा क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे दोगे कि ये नहीं लिख दोगे कि भाई इसका मास्टरपीस ये था पहले उसके बारे में बताओगे कि वो इंसान कौन था ठीक है तो हमने पहले एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि भैया साठ साल का एक ओल्ड आर्टिस्ट था जिसकी ड्रीम थी कि भाई एक मास्टर बनाए ठीक हैीस ठीक है ना ये इसका मास्टरपीस था जिसने जॉनसी की जिंदगी बचा ली इट वाज सच अ पेंटिंग दैट इट वाज नॉट इजी टू मेक आउट whether the leaf was real or it was just a painting इस तरीके से वो पेंटिंग बनाई गई थी कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल था ये बताना कि के वह केवल एक पेंटिंग थी या वह सच में एक लीफ थी when behermen died painting this life saving painting se eu called it a masterpiece so जब वह मर गए ना? जब वे इसको ड्रॉ करते करते ड्रॉ करने के बाद वेन ही डाइड तो ये जो एक्चुअल पेंटिंग थी, saving, क्योंकि इसने की थी. सा मैसेज यहां पर हमें देखने मिला एंडिंग इसकी बहुत ही ज्यादा यू you नो know? क्या बोल सकते है कि हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी इस स्टोरी की एंडिंग ऐसी थी सो दैट वॉज अ रियली नाइस थिंग इट वॉज अ शॉर्ट स्टोरी एंड आई होप कि आपको इससे मैसेज मिला हो है ना कि जिंदगी में अपने को हार नहीं माननी uh, मारनी हार नहीं माननी या कभी ऐसा होता है तुम्हारे साथ तुम वर्ड्स भूल जाते हो हाँ मेरे साथ बड़ा होता है <laughs> तो कभी भी बेटा हमें जिंदगी में jokes apart पार्ट हार्ड नहीं माननी चाहिए ठीक अच्छा है चाहे फिर वो आप बीमार हो या फिर यू you नो know, हमें कोई भी चीज़ नहीं आ रही हो या फिर हम किसी चीज़ में कॉन्स्टेंटली फेल हो रहे हो ठीक है चाहे हमारी लाइफ हो चाहे हमारी स्टडीज हो नो इट इज अ लाइफ एवरी डे इज अ न्यू डे एंड यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू फाइट दैट्स हाउ यू विल लिव ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज थैंक यू सो मच आल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय